आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2020 के राशिफल के बारे में। जानेंगे अगस्त 2020 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस महीने में ग्रहों की चाल किन बातों में विशेष परिणाम प्रदान कर रही है। यह अगस्त 2020 का महीना कोई साधारण समय नहीं है। इस माह में ग्रहों का गोचर आपके जीवन में कई सारे परिवर्तनों को लेकर आ रहा है। ऐसी बातें इस समय पर रहेंगी जिस बारे में आपने सोचा भी ना हो। दोस्तों, सर्वप्रथम बात करें आपकी राशि के स्वामी की, तो बुध देव इस महीने दो बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बुध 2 अगस्त को सुबह 3:03 पर राशि परिवर्तन करेंगे। बुध आपके धन भाव में और कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, बुध का आपके धन भाव में आना आपके जीवन से कई प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला है। बुध का यह परिवर्तन आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करेगा। अपनी मधुर वाणी से आप अपने कई सारे कामों को बना पाएंगे। दोस्तों, यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, पैसा रुका हुआ है, तो वो इस समय पर क्लियर जरूर होगा। व्यापार में विशेष अवसर और प्रगति के रास्ते इस समय पर आपको मिलेंगे। काम के ऊपर, परिश्रम के ऊपर लगन के साथ आप ध्यान देंगे और इसका सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो रहा है। व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। जो भी मंदी की स्थितियां थी उनसे आप बाहर निकल पाएंगे। यदि कर्ज संबंधित मामले थे तो उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। यदि सुख सुविधाओं में कमी है तो बुध सुख सुविधाएं भी प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपके घर में जरूरी व कीमती सामान इस समय पर आ सकता है। दोस्तों, इससे पहले बुध और राहु की युति बनी हुई है। 2 अगस्त से पहले बुध व राहु की युति के कारण आपने कुछ नकारात्मक बातों की ओर ध्यान दिया होगा, परंतु इस परिवर्तन के बाद आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी से दूर पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। यह समय विशेष रूप से अकाउंटेंसी के कार्यों में, बैंकिंग संबंधित क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी आदि को धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे। लेन देन के क्षेत्रों में भी आप इस समय पर अपना नाम बना पाएंगे। कृषि के क्षेत्र में, कृषि से संबंधित कामों में भी समय उचित साबित होने वाला है। जो लोग अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं तो अब आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। यदि आपके बहू और पुत्र से आपके रिश्ते बिगड़ गए थे तो इन रिश्तों को आप पुनः सुधार पाएंगे। दोस्तों, विशेष करके यह समय आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला है। कई प्रकार की उपलब्धियां आपके जीवन में बुध के इस राशि परिवर्तन के बाद आने वाली हैं। दोस्तों, बुध के अगले राशि परिवर्तन की बात करें तो बुध इस महीने में 17 अगस्त को पुनः सुबह 8:29 पर आपके तीसरे भाव में और सिंह राशि में विराजमान हो रहे हैं। यह गोचर भी आपके लिए खास रहेगा। बुध का तीसरे भाव में और सिंह राशि में आना आपको छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ को प्रदान करेगा। पुत्र पुत्रियों का सुख आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में बुध के आने से भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बुध इस पूरे महीने में आपको शुभ में परिणाम प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले राशि परिवर्तन की। तो दोस्तों, मंगल राशि परिवर्तन 16 अगस्त को करेंगे और यह राशि परिवर्तन भी आपके लिए खास रहेगा। 16 अगस्त को शाम 6:25 पर मंगल अपनी राशि मेष राशि में और अपने लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ के स्वामी स्वयं लाभ स्थान पर आ रहे हैं। अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब आपको आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मंगल आपको हर प्रकार से दृढ़ निश्चय बनाएंगे, पराक्रम प्रदान करेंगे, जोश को बढ़ाएंगे, कार्य गति में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और बुध आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। माता पिता का प्रेम और सपोर्ट मिलेगा। संतान सुख की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। जो लोग पुत्र सुख चाहते हैं, अब आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। यह समय आपके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी। मैरिड लाइफ में भी समय शुभमय रहेगा। लव रिलेशनशिप में समय उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। अपने परिश्रम, लगन व मेहनत से आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार से स्टूडेंट इस समय को व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें अगले राशि परिवर्तन की, तो सूर्य देव भी 16 अगस्त को रात्रि 7:11 पर राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में, अपनी राशि में और आपके धन भाव में दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, समय ही बेहद सकारात्मक और महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में आ रहे हैं जो कि शुभमय समाचार लेकर आएंगे। सूर्य का अपनी राशि में आना आपको दृढ़ निश्चय प्रदान करेगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी लेकर आएगा। धार्मिक विचार आपके इस समय पर रहेंगे। माता पिता का सुख आपको मिलेगा। यदि पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों को लेकर किसी प्रकार के झगड़े, वाद विवाद आदि थे तो वह भी इस समय पर समाप्त होंगे। शासकीय क्षेत्र में नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस समय पर सफलता के प्रबल योग हैं। आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी, विशेषकर सुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में
चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छी नौकरी इस दौरान मिल सकती है। सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी, आपके रुके हुए सरकारी काम तेज गति से बन पाएंगे। यदि यात्रा से संबंधित व्यापार में आप हैं तो अधिक लाभ आपको होगा। शासकीय काम आपके नहीं हो पा रहे थे तो अब आपके शासकीय काम बन पाएंगे। दोस्तों, सूर्य देव आपको स्वस्थ शरीर देंगे। जिन्हें विशेष रूप से हृदय रोग से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है तो आप अपनी बीमारी को नियंत्रण में आप इस समय पर देखेंगे। ये समय आपके लिए उचित रहेगा। अपने विरोधियों का आप हर प्रकार से सामना कर पाएंगे। तर्क वितर्क के मामलों में भी आप आगे रहेंगे। पुराने न्यायालय संबंधित मामले यदि चल रहे थे तो उसमें भी अब आपकी जीत हो सकती है। सूर्य देव भी आपको इस समय पर उचित परिणाम प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें शुक्र ग्रह की तो शुक्र इस समय राहु के साथ युति में मिथुन राशि में है, जिसके कारण इस समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आपको रह सकती हैं। शुक्र संबंधित कामों में जो लोग हैं, टीवी फिल्म अभिनय आदि से संबंधित आपके काम हैं, तो विशेष रूप से इनमें सतर्कता रखने की जरूरत है और शुक्र व राहु के उपाय भी करने की आपको जरूरत है। बात करें बृहस्पति की तो दोस्तों, बृहस्पति केतु के साथ युति में आपके सप्तम भाव में है, जहाँ पर सभी ग्रह आपके वैवाहिक जीवन को सुख में परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं पर बृहस्पति और केतु का चंडाल दोष आपके जीवन में कला कलेश, वाद विवाद आदि को बढ़ा सकता है। आप केतु का उपाय जरूर कीजिएगा ताकि कला कलेश से आप दूर रहें और दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहे। दोस्तों, साझेदारी में, पार्टनरशिप में यदि आपका काम है तो उनमें आप सतर्क रहिएगा। यात्राओं में भी सावधानी रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जो लोग शिक्षा से संबंधित प्रोफेशन में हैं या इससे संबंधित व्यापार में हैं, तो इस समय पर बृहस्पति के उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों, बात करें शनिदेव की तो शनिदेव की ढैया आपकी राशि में चल रही है। शनिदेव आपके अष्टम भाव में है, जिसके फलस्वरूप जिनकी कुंडली में शनिदेव प्रभावी हैं, आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी। स्वास्थ्य संबंधित बातों में किसी भी प्रकार की लापरवाही आप ना करें और इस समय आप नियम पूर्वक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। भूमि संपत्ति संबंधित कामों में ये समय उचित नहीं है। यदि आपका काम सीमेंट, तेल, लोहा, पेंट, रेत, बजरी आदि क्षेत्रों में है तो आपको अधिक सावधानी रखने की जरूरत है और शनिदेव के उपाय विशेष रूप से करने की जरूरत है। दोस्तों, उपाय की बात करें तो शनिदेव के उपाय के लिए आप प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। नियम पूर्वक शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। दोस्तों, बृहस्पति के भी उपाय आपको जरूर करने होंगे। बृहस्पति के उपाय के लिए बृहस्पतिवार के दिन आप गौ माता को चने की दाल जरूर खिलाएं। शुक्र के उपाय के लिए सफेद चंदन का तिलक शुक्रवार के दिन जरूर अपने माथे पर लगाना चाहिए और राहु व केतु के उपाय के लिए काली गौ माता की सेवा आप प्रतिदिन जरूर करें। केतु के उपाय के लिए आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना जरूर डालें। तो दोस्तों, यह कुछ उपाय आपको इस महीने जरूर करने चाहिए। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2020 के राशि फल के बारे में।